Greetings of the day. This is Dr. Dimple Khosla, Assistant Professor, Department of Commerce, Dyal Singh College, Karnal. So we are doing the chapter of contract costing. Aaj complete ho jayega hamara chapter ye. So today we will discuss the last topic of this chapter, and that is treatment in case of profit or loss on about to complete contracts. Yani ki jab contract bilkul complete hone wala hota hai, तो तब उसमें जो प्रॉफिट आता है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है. नॉर्मली क्या होता है कि जब ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो लगभग इसका 90% पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है. अब 90% से थोड़ा सा यानी कि 10% लगभग रह गया, या हो सकता उससे भी कम रहता हो, तो उस टाइम पर किस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अब तक का खर्चा हम कर चुके हैं 90% पर, मान लीजिए जो हम खर्चा कर चुके हैं वो तो हम लेते ही हैं, हम इसके अलावा वो खर्चा भी लेते हैं जो फर्दर 10% पे हो सकता है. अब हमारा जो खर्चा हो चुका है वो तो हो गया एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा हो सकता है वो हो गया एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. तो एक्चुअल खर्चों में एस्टिमेटेड खर्चों को जोड़कर हमारे पास टोटल खर्चा आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगभग इतना खर्चा हो जाएगा. अब ये लगभग का मतलब क्या है कि इट इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्योंकि जो 10% रहता है उस पर एक्चुअल में कितना लगेगा वो हम अभी नहीं कह सकते. तो हमने क्या कहा कि ये लग चुका और ये अभी लगेगा, उसको हम ऐड कर देते हैं, और वो ऐड करके हम अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से माइनस करें तो हमारे पास एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा. अब हम उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ शेयर निकालते हैं और वो अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं और बाकी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. इसी में एक पॉइंट है यहां पर, द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एडेड टू द टोटल नेट एक्सपेंडिचर टुगेदर. टुगेदर व्हाट? विद प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी. हम अपने जो अब तक के खर्चे हो चुके वो और जो हो सकते हैं वो तो ऐड करते ही हैं, प्लस एक और प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी भी बना के ऐड कर देते हैं कि और अगर बाय चांस कोई इधर उधर कुछ हो गया खर्चा तो वो भी, उसका भी हम रिस्क कवर कर लेते हैं. तो ये जो रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी बनाया जाता है ये क्रेडिट किया जाता है बाय फिक्सिंग ए परसेंटेज और सेटिंग असाइड सम परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट. इसको हम समझेंगे अभी आगे कि ये रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी कैसे बनाया जाता है, पहले इसी को करते हैं. मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 50,000 जो है वो टोटल नेट एक्सपेंडिचर है अप टू द ईयर 2015, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि वो जून 2016 में फिनिश हो जाएगा, और प्रोबेबल एक्सपेंडिचर इन दिस पीरियड में भी ₹10,000, यानी कि ये जो टाइम लगेगा उसमें खर्चा हमारा कितना होगा 10,000, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने का है 1 लाख का है. अब आगे दिया कि 2.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सेट असाइड फॉर कंटिंजेंसीज एक्सक्लूडिंग रेट ऑफ कंटिंजेंसी. यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, एक्सक्लूडिंग रेट यानी कि इस रेट को छोड़कर. अब हमने क्या करना है, देखो पहले तो समझो कि दिया क्या है, 50,000 खर्चा क्या है टोटल नेट एक्सपेंडिचर जो अब तक हम कर चुके हैं, ओके okay. और एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज 10,000. तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट कितनी हो गई 60,000, और ये कौन सी कॉस्ट है, ये एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट है. अब अभी मैंने बताया कि जो एक्सपेंडिचर अब तक हो चुका वो लेना है, जितना हो सकता है आगे वो लेना है, प्लस इसमें हमने क्या लेना है, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी. अब ये जो प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी है ये कितना है, ये इस टोटल कॉस्ट का 2.5% दिया हुआ है हमें, और साथ में क्या लिखा है वर्ड, एक्सक्लूडिंग दिस रेट. एक्सक्लूडिंग दिस रेट का मतलब क्या हुआ कि जितना हमने प्रोविजन बनाना है उसमें ये वाला जो रेट है ये इंक्लूडेड नहीं है, उसको नहीं करना. तो इसका मतलब सिंपल इसके ऊपर आपने 2.5 अपॉन 100 निकाला तो ये मेरे पास आ गया 1500,
और 1500 ऐड करते ही मेरे पास जो अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई, 61,500। एक्सक्लूडिंग दिस रेट मतलब आई डोंट हैव टू कंसीडर दिस रेट। किस चीज के लिए, कि ये जो प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी के बाद आएगा इसके ऊपर नहीं निकालना मुझे, मुझे इसी के ऊपर निकालना है। एक्सक्लूडिंग दिस रेट यानी कि 2.5 के पहले ही जो अमाउंट है उसी का 2.5% निकालना है, तो मुझे ऐसे निकालना है। अब इसी को इंक्लूडिंग रेट से भी समझते हैं कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि एक्सक्लूडिंग द परसेंटेज वर्ड जो है वो छोड़ देते हैं कि वो नहीं दिया। अब रिजर्व को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 इंटू 2.5 अपॉन 100 माइनस 2.5। ऐसा क्यों, देखिए हमने कहा कि हमारी अब तक की कॉस्ट कितनी थी, 50,000 प्लस हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ गई, 10,000। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी आ गई 60,000। ओके, अब मुझे ऐड करना है इसमें प्रोविजन विच इज 2.5%, और अब मुझे यहां पर नहीं लिखा एक्सक्लूडिंग दिस परसेंटेज, एक्सक्लूडिंग दिस परसेंटेज वर्ड नहीं लिखा हुआ। अब अगर मुझे अब लेना है 2.5% तो मुझे इस टोटल कॉस्ट का 2.5% लेना है, क्योंकि मुझे अब ये रेट नहीं छोड़ना है, मुझे इसका 2.5% प्रोविजन रखना है। तो इसका 2.5% तो मेरे पास कब आएगा, जब पहले मेरे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी तब ये टोटल कॉस्ट आएगी, तो आई डोंट हैव दिस अमाउंट। अब अगर मेरे पास ये वाली अमाउंट नहीं है तो अगर मैं इसको मान लीजिए एक्स ले लेती हूं और ये मेरा 2.5 है, तो ये वैल्यू मेरी कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 97.5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब मुझे इसके ऊपर परसेंटेज निकालनी है, तो आई विल कैलकुलेट 60,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 97.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1518। आई विल ऐड दिस 1518, तो ये मेरे पास जो अमाउंट है यहां पर जो मैंने लिखी, इसको हम कितने लिख देंगे, जस्ट अ मिनट, ये आ जाएगी मेरे पास 61518। यहां पर मुझे कितना लिखना है, 61518 लिख देना है। सो लेट मी इरेज दिस, ये मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई, 61518। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है, नियरली कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, इट इज मेड इन ऑर्डिनरी मैनर, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फर्स्ट पार्ट है वो हम वैसे ही बनाते हैं जैसे हम पहले सिंपल बनाते आ रहे हैं अब तक, और जो दूसरा पार्ट हमने बनाना है उसके अंदर हमें नोशनल प्रॉफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जैसे हम पहले भी करते आए, लेकिन अब किस मेथड से उसको करना है हमें ये देखना है। तो देर आर नंबर ऑफ मेथड्स, जैसे कि पहला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हमारा अभी आया उसको वर्क सर्टिफाइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड। दूसरा क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड की रेशियो निकाल दीजिए साथ में। तीसरा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू द डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। फिर इसी फॉर्मूला में हम कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड की रेशियो लगा देते हैं, और लास्ट फॉर्मूला है हमारा नॉशनल प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जनरली जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला, दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर कुछ भी ना दिया हो तो हम कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड की रेशियो ले सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है तो हम वही लेंगे, अदरवाइज आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। ओके, so let us understand it with the help of an example. A and B contractor obtained a contract to build houses, the contract price being rupees 4 lakh. Work commenced on 1st January 2016, and upon it the following expenditures were incurred during the year. Plant liya gaya 20,000 ka, stores and materials hain 72,000, wages 65,000, sundry expenses 5,300, establishment charges 11,700. Some of the material costing rupees 12,000 were unsuited to the contract and were sold for rupees 14,500.
500, 12,000 का मटेरियल था जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे सही नहीं बैठ रहा था, हमने उसको 2,500 के प्रॉफिट पे 14,500 में बेच दिया। ए पोर्शन ऑफ प्लांट वॉज स्क्रैप्ड एंड सोल्ड फॉर 2,300। प्लांट का एक पार्ट हमारा खराब हो गया, हमने उसको 2,300 रुपए में बेच दिया। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड टूल्स ऑन साइट कितने का बच गया था? 6,200 का प्लांट बच गया था। एंड वैल्यू ऑफ स्टोर्स एंड मटेरियल ऑन हैंड कितना था? 3,400। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट वॉज 1,40,000, रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। यहां से हम जैसे पहले निकालते हैं वैसे ही क्या निकाल लेंगे, वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट 1,40,000 इनटू 100 अपॉन 80, दैट विल कम 1,75,000। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड वॉज 21,900, दिस वॉज सर्टिफाइड लेटर फॉर 25,000। हमें उस डेट को अकाउंट बनाना है और उस डेट को वर्क अनसर्टिफाइड 21,900 था, तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस 25,000 कि वो बाद में कितने में सर्टिफाई होता है, वो अभी हम उससे कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए कि अभी कितना अनसर्टिफाइड था। ए और बी क्या डिसाइड करते हैं? दे डिसाइडेड टू एस्टिमेट वट फर्दर एक्सपेंडिचर वुड बी इनकर्ड इन कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी ये डिसाइड करते हैं कि वो पूरा एस्टीमेट लगाएंगे कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में कितना जो खर्चा है वो फर्दर लगेगा, और इस एस्टीमेट से टू कंप्यूट फ्रॉम दिस एस्टीमेट एंड द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड, जो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है प्लस ये जो हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आएगा, इससे वो क्या निकालेंगे, द टोटल प्रॉफिट दैट वुड बी मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कि कितना प्रॉफिट होगा, दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और फिर टेक क्रेडिट ऑफ पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर, कितना पी एंड एल में लेके जाएंगे, दैट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल विच corresponded to work certified by the 31st December. मतलब क्या हुआ इसका कि जो estimated profit आएगा हमारा, यहाँ पे लिखा है कि on जितना भी profit आएगा made on the contract, उसमें से to take credit of P&L account for the year, proportion of the total, total मतलब total contract price, which correspond to the work certified. यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड। तो हमें फॉर्मूला पहले से ही दे दिया, हमें निकालने की या देखने की जरूरत नहीं है, हमें बता दिया कि जितना एस्टिमेटेड हमारा प्रॉफिट आएगा उसकी हमने रेशियो लेनी है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, कॉरेस्पॉन्ड क्या करना है, वर्क सर्टिफाइड को, तो वर्क सर्टिफाइड अपॉन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके, आगे दिया है कि जो एस्टिमेट है वो क्या क्या था, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 30th सितंबर को खत्म हो जाएगा, वेजेस जो है वो 71,500 और लगेंगी, कॉस्ट ऑफ स्टोर एंड मटेरियल रिक्वायर्ड इन एडिशन टू दोज इन स्टॉक, कि जो पहले से स्टॉक में था वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उसके अलावा 68,600 का और लगेगा, एंड द फर्दर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस वुड अमाउंट टू ₹6,000, और कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे और कितने हो जाएंगे, 6,000। Further 25,000 would have to spend out on plant and tools. 25,000 रुपए plant and tools पे जो पहले बचा हुआ है उसके अलावा और खर्च करने पड़ेंगे, और उसमें से बच कितने का जाएगा 30th September को, 3,000 का। Establishment charges would cost the same per month as in 2016. जैसे पहले लगते थे वैसे ही अब भी लगेंगे। 2.5% of the total cost of the contract would be due to defects, temporary maintenance and contingencies. अब देखो यहाँ पर कहीं लिखा है excluding the rate, नहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5% को total cost पे निकालना है, और total cost पे निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, rate upon 100 minus rate. Prepare contract account for the year ended 31st December 2016 and show your calculation of the amount credited to profit and loss account for the year. So let us make contract account. पहले हम simple contract account बना लेते हैं जो हमें information दी हुई थी उससे। तो ये informations मैंने यहाँ पर convenience के लिए लिख ली हैं। तो यहाँ से हम start करते हैं। हमें दिया हुआ है two stores and materials.
दैट इज 72,000। प्लांट गिवन है हमें 20,000। वेजेस 65,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,300। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आई डू हैव 11,700। ओके, सम ऑफ द मटीरियल कॉस्टिंग ₹12,000 वर अनसुटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड वर सोल्ड फॉर ₹14,500। By cash account, material sold. कितने का बेच दिया? 14,500 का था। कितने का? 12,000 का। तो 2,500 का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट हम किस में डाल देते हैं? P&L अकाउंट में। सो आई विल राइट 2,500। देन ए पोर्शन ऑफ द प्लांट वॉज स्क्रैप्ड एंड सोल्ड फॉर ₹20,300। बाय कैश अकाउंट प्लांट सोल्ड कितने में बेच दिया हमने? स्क्रैप 2,300। ओके, मटेरियल ऑन हैंड बचा है मेरे पास 3,400। बाय मटेरियल इन हैंड इट इज 3,400। प्लांट इन हैंड बचा था 6,200। आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन वहीं से ली हुई है, तो ये सेम वहां से मैंने क्वेश्चन से कॉपी किया है। वर्क सर्टिफाइड अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है बाय वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में मेरे पास वर्क सर्टिफाइड आ गया 1,75,000 और वर्क अनसर्टिफाइड आ गया 21,900। ओके, तो ये मेरे पास आ गया 1,96,900। ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव रिटन। अब ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद मेरे पास इसका टोटल आ जाता है 2,23,300। अब इसमें से मुझे बैलेंस निकालना है। ये बैलेंस आ गया मेरे पास, इट कम्स टू 46,800। ये बैलेंस मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,800 और इसके मुझे दो हिस्से करने हैं। एक हिस्सा मेरा जाएगा P&L में और एक हिस्सा जाएगा मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में। और ये कितना जाएगा इसके लिए मुझे बहुत बड़ा वर्किंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब तक जो खर्चा हुआ है वो सारा तो लेना ही लेना है, प्लस इसमें मुझे ऐड करने हैं जो खर्चे मेरे आगे होने वाले हैं वो भी, और उसके बाद मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के बाद उसकी जो रेशियो वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे आएगी वो मुझे यहाँ पर लेनी है। यानी कि यहाँ पर मुझे जो फॉर्मूला लेना है वो तो मुझे दिया ही हुआ है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा जो आएगा इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लेकिन मेरे पास ये जो आया है ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं है, ये तो मेरा नोशनल प्रॉफिट है। बट आई हैव टू टेक व्हाट? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे निकालने के लिए हमें क्या करना है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अब तक जो खर्चा हुआ है पहले वो देख लेते हैं। The amount of profit credited to profit and loss account निकालने के लिए हमें सबसे पहले total gross expenditure in 2016 लिखना पड़ेगा, जिसमें अभी जो हमने contract account बनाया है वहीं से मैं उठा रही हूँ। Store and material मैंने लगाया वहां पर 72,000 का, wages लगाई 65 की, plant and tools 20,000, establishment charges 11,700, sundry expenses 5,300, टोटल आ गया मेरे पास 1,74,000। इसमें से जो जो मेरे पास बचा है वो माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड 12,000 का मैंने मटेरियल बेच दिया, बेचा बेशक 14,500 में लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी? 12,000। प्लांट बेचा मैंने 2,300 का। स्टोर एंड मटेरियल ऑन हैंड अभी तक मेरे पास जो बचा हुआ है वो 3,400 है। प्लांट 6,200 का बचा हुआ है। तो ये सारी चीजें मिलाकर 23,900 माइनस हो जाएंगे। तो अभी तक का मेरा जो खर्चा है वो कितना है? 1,50,100।
मुझे इसमें ऐड करना है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक लगेगा। तो वो स्टार्ट करने के लिए मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। टोटल नेट एक्सपेंडिचर इन 2016 जो मैंने अभी पिछली शीट में निकाला वो है 1,50,100। अब मुझे ऐड करना है फर्दर एक्सपेंडिचर। उसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वो मैं दोबारा से यहां लिख लेती हूँ। ये आ गई यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2016। अब हमने दिसंबर तक ये बनाया था तो सितंबर तक 9 मंथ्स और लग जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। ओके, अब 9 मंथ्स में और क्या क्या लगेगा? वेजेस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन 2016 वुड अमाउंट टू ₹71,500। अब एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर में मेरे पास वेजेस लग जाएंगी यहां पर, दैट विल कम टू 71,500। ओके, कॉस्ट ऑफ स्टोर एंड मटेरियल रिक्वायर्ड इन एडिशन टू दोज इन स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वुड बी ₹68,600। इन एडिशन टू दोज इन स्टॉक, तो अभी जो वहां मेरा पीछे मटेरियल इन हैंड बचा था, मटेरियल इन हैंड वो मेरा बचा था 3,400, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। प्लस उसके अलावा 68,600 का मटेरियल मेरा और लग जाएगा, तो इसका मतलब मटेरियल कितने का लग गया? 72,000 का। फर्दर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस वुड अमाउंट टू ₹6,000। फर्दर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस ये मेरे लग गए 6,000। If further 25,000 rupees would have to spend out on plant, तो पहले से मेरा प्लांट कितने का था? That was 6,200 का पहले से था। एडिशनल प्लांट कितने का लग जाएगा? 25,000 का। ये मेरा क्या लग गया? एडिशनल प्लांट। अब इस एडिशनल प्लांट को लगाने के बाद टोटल मेरे पास कितना आ गया? 31,200। और इसमें से वो कह रहे हैं कि 3,000 का प्लांट मेरे पास एंड में बच जाएगा, तो वो मैं माइनस कर देती हूँ। प्लांट इन हैंड 3,000 आई विल गेट इन हैंड, तो माइनस कर दिया मैंने, ये मेरे पास आ गया 28,200। ओके, उसके बाद लिखा है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट द सेम पर मंथ एज इन 2016, कि एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस पर मंथ उतने ही लगेंगे जितने पिछली बार लगे। तो पिछली बार मेरे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितने लगे थे? ये थे 11,700 पूरे साल के। तो अब मेरे पास 9 मंथ्स का टाइम और है, तो 11,700 डिवाइडेड बाय 12 × 9 मेरे 8,775 रुपीज और लग जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के। 2.5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ड्यू टू डिफेक्ट्स, टेम्परेरी मेंटेनेंस एंड कंटिजेंसिस। तो पहले मैं टोटल कॉस्ट निकाल लेती हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं, और ये ऐड करके मेरे पास आ गया 1,86,475। इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 3,36,575। अब मुझे इसमें ऐड करना है रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी, और रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी मुझे दिया हुआ है टोटल कॉस्ट का 2.5%। तो टोटल कॉस्ट तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2.5 upon 97.5, ये मेरे पास आ गया 8,630। इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3,45,205। ये मेरे पास क्या आ गई? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी गिवन है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी गिवन है, तो मैं यहां से प्रॉफिट निकाल लेती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना आ गया मेरा? 4 लाख लेस एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट का हमने निकाला वो है 3,45,205। इसमें से माइनस कर देंगे इसको तो मेरे पास एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 54,795। ओके, अब यहां से क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था कि कितना प्रोपोर्शन हमने डालना है P&L में, वो क्या था कि जो टोटल का कॉरेस्पॉन्ड करता है वर्क सर्टिफाइड को, पहले भी बता चुकी हूं मैं, फिर से रिपीट कर दिया।
टोटल वर्क सर्टिफाइड ऑन 31 दिसंबर 2016 कितना है? 1,75,000, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 4 लाख। तो अमाउंट जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में वो कितना होगा? एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट है मेरे पास, अभी अभी हमने निकाला, 54,795। तो एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट 54,795 इंटू 1,75,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो ये जो अमाउंट मेरे पास आई, ये मुझे कहाँ पर ट्रांसफर करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वापस जाते हैं हम अपनी उस शीट पे। हाँ जी, तो अब यहाँ पर आ गए हम टू पी एंड एल अकाउंट। तो इस पी एंड एल अकाउंट में हमारे पास जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया वो अभी हमने लिखा था, दैट वाज 54,795 इनटू वर्क सर्टिफाइड कितना है मेरे पास? 1,75,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है मेरे पास? 4 लाख। तो ये जो अमाउंट आई, इट इज 23,973, ये जाएगी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में, और रिमेनिंग अमाउंट मेरी जाएगी 22,827, यानी कि 46,800 में से मैं ये माइनस कर दूंगी 23,973। तो ये जो अमाउंट आएगी, ये अमाउंट मेरी वर्क इन प्रोग्रेस में चली जाएगी। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन केस स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन ईमेल। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोई भी आपको दिक्कत आए आप मेल कर सकते हैं। सो कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। डियर स्टूडेंट्स, हम ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर करने के बाद अब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं, जो कि 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेथड है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। डिफाइन वर्क सर्टिफाइड, इसमें वर्क सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड दोनों का आ सकता है आपके पास। डिफाइन नेशनल प्रॉफिट क्या होता है, एस्केलेशन क्लॉज क्या होती है, और एक्सप्लेन वर्क इन प्रोग्रेस, हाउ इज़ इट शोन इन कॉन्ट्रैक्टर्स बैलेंस शीट में कैसे हम शो करते हैं, एक्सप्लेन रिटेंशन मनी, व्हाई इज़ इट केप्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टी। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग में डिफरेंस भी आ सकता है, जॉब कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्टिंग में। ये हम यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर भी कर चुके हैं, तो दोनों में भी डिफरेंस वो पूछ सकते हैं, या बजटरी मेथड में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। वो तो जो चैप्टर्स हमने इसमें किए हैं, इससे पहले किए हैं, उनमें से किसी के साथ भी डिफरेंस वो पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसके बाद एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब आप कोई एग्जाम्पल ले लेंगे प्लांट का, और उसमें से बीच में आपने सेल कर दिया, बीच में आपका ख़राब हो गया, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, पूरे एग्जाम्पल के साथ आप इसके एग्जाम्पल 4 मार्क्स क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दूसरा, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऑल्सो एक्सप्लेन वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क येट टू बी सर्टिफाइड, इसको हम वर्क अनसर्टिफाइड भी कहते हैं। थर्ड हो जाएगा, गिव द ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट फॉर इनकॉर्पोरेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द ऑफ ए फॉर्म। फिर उसके बाद एक्सप्लेन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एडवांटेजेस टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी, और उसके साथ वो एक्सप्लेन करने को कह सकता है एस्केलेशन क्लॉज को। उसके बाद शॉर्ट नोट भी हो सकते हैं, जैसे 5 शॉर्ट नोट हैं, 3-3 नंबर का हर एक शॉर्ट नोट हो जाएगा, जैसे रिटेंशन मनी क्या है, एस्केलेशन क्लॉज क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहते हैं, EBQ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे कोई भी पॉइंट्स जो भी हमारे इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, उसको वो शॉर्ट नोट में कह सकते हैं। फिर है इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हाउ विल यू ट्रीट द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लार्ज हैवी ड्यूटी क्रेन्स एंड मूविंग इक्विपमेंट परचेज स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्ट
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज। इसमें हम एग्जाम्पल के साथ पहले उसका पूरा ट्रीटमेंट दिखा देंगे और उसके बाद इसके एडवांटेजेस और क्या फ़ायदा होगा ये एम्प्लॉयर को, इसके बारे में हम डिस्प्ले एक्सप्लेन कर देंगे। वट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इलस्ट्रेशन के साथ देंगे। हाउ इज़ वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड इन केस ऑफ अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये बता देंगे, इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। वट इज़ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, गिव स्पेसिमेन ऑफ सच एन अकाउंट यूजिंग इमेजिनरी फिगर। तो ये आपका प्रैक्टिकल टाइप ही क्वेश्चन है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के चैप्टर में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। थ्योरी के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है स्टिल, क्योंकि अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए। चार नंबर में तो इसके आने के चांसेस फिर भी 80% है, लेकिन फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन में 15 मार्क्स में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो बुक के पीछे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के, वो आपने अच्छे से करने हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।